उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और यहाँ इस लिस्ट में तमाम नेताओं के नाम शामिल है, लेकिन इनमें से 8 नेता कुछ ऐसे हैं बीजेपी के जो बीजेपी के गुजरात चुनाव से अलग होते नजर आए, यानी कि विजय रूपानी जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी भी यहाँ पर देखे गए हैं, उनके साथ तमाम दिग्गज नेता जो है वो इस चुनाव से दूरी बनाते नजर आए हैं। क्या बीजेपी के इन नेताओं का जो नाराजगी है वो सामने आने लगी है? क्या विजय रूपानी को बदलकर जब यहाँ भूपेंद्र पटेल बनाया गया था, क्या ये नजर आने लगा है? इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि हार्दिक पटेल को भी यहाँ पर एक टिकट दे दिया गया है, एक सीट से उनको खड़ा किया गया है, लेकिन हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल पर भी दांव खेला गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल पर भी यहाँ बीजेपी ने दांव खेला है। क्या यहाँ किंजल पटेल को कोई बड़ा पद देने की बात हो रही है? इससे पहले आपको बता दें कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी इसी का फायदा उठाती यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ क्या किंजल पटेल को उतार कर महिलाओं को सेंधमारी करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, या यूं कह लीजिए कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किंजल पटेल को इस चुनावी यात्रा में उतारा है? देखिए भाजपा यहाँ पर क्या रणनीति बना रही है इसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक तो हार्दिक पटेल को लेकर खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब हार्दिक पटेल की पत्नी किंजल पटेल को लेकर ये अपडेट सामने आई। अब यहाँ पर ये देखना है कि किंजल पटेल को क्या बीजेपी कोई पद देती है या सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए ही उतारेगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।